हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 4 जून 2019 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी निकेतन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बीते दिनों ONGC ने किसको पछाड़ कर देश की सबसे अधिक लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का खिताब हासिल किया है। तो इन्होंने किनको पछाड़ा है जी, IOC को, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब ये ONGC ने किया है तो ONGC का ही पूरा नाम आप देखेंगे और IOCL का, यहाँ पर BPCL है और CIL है, साथ ही NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो एक बार आप सबके पूरा नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बीते दिनों किस सरकार ने आपकी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया है? तो ऐसा करने वाला ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान ने आपकी बेटी योजना में जो लड़कियों को जो सहायता राशि दिया जाता था उसको बढ़ा दिया है। देखें कितना क्या बढ़ाया है। अच्छा, ये पहले तो ये जाने कि से ये उन लड़कियों को दिया जाता है जिनके माता पिता दोनों में से किसी के मृत्यु हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है, उनको दिया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले 1100 रुपया दिया जाता था, अब 2100 रुपया दिया जाएगा। और 9th से 12th तक के जो बच्चियां हैं उनको 1500 रुपया की जगह पर 2500 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार जो ड्यूटी में मारे गए उनको 1,500,000 की जगह पर 2,000,000 रुपया दिए जाएंगे। बीते दिनों किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के एक शहर ओरछा के बारे में मैंने बताया था आपको, जिसे यूनेस्को के अस्थाई लिस्ट में शामिल किया गया है। बीते दिनों भारत सरकार के गठित नए मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी बने हैं जल शक्ति मंत्रालय के नए मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों ततैया की नई प्रजाति की पहचान कहाँ की गई है? तो ये गोवा में किया गया जी, ठीक है। गोवा में ततैया की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। अब बात गोवा की आई है तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद, ठीक है, प्रमोद सिंह है। और राजधानी पणजी, आपको पता है यहाँ पर दो जिला है, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। आगे बढ़ेंगे, मृदुला सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं। बीते दिनों दुनिया की सबसे दक्षिणतम शहर किसे घोषित किया गया? एक्चुअली अभी तक UCI था, ऑप्शन सी, लेकिन अब प्यूट्रो विलियम्स जो कि एक चिली के शहर है वो बन गया है दुनिया के दक्षिणतम शहर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखेंगे यहाँ पर दोनों शहरों को बिल्कुल पास पास आपको दिखेगा, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ऊपर में जो था UCI था, जो अब तक के था, वो अब तक के था, लेकिन अब प्यूट्रो विलियम्स बन गए। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों हॉक एडवांस एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये है मोहना सिंह। मोहना सिंह ऐसी पहली महिला बने हैं अपने देश के जिन्होंने हॉक एडवांस एयरक्राफ्ट उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया है, ये हैं मोहना सिंह, ठीक है जी। चलेंगे आगे। अच्छा, यहाँ ऑप्शन ए में वर्तिका जोशी है, आप इनको जानते हैं, जरा इनके बारे में बताइए। बीते दिनों UN ने किस देश पर लगे प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है? तो ये वो देश है दक्षिण सूडान, ठीक है। ये एक अफ्रीकी कंट्री है, मैंने आपको बताया था कि दक्षिण सूडान ऑलमोस्ट नोन में सबसे नया कंट्री है, जो 2011 में सूडान से अलग होकर के बना था। अच्छा, इसलिए पहले सूडान दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था, लेकिन जब ये बट गया तो अब अल्जीरिया जो कि टॉप पे है बड़ा कंट्री हो गया है। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों कैबिनेट ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद छोटे व्यापारियों को कितना मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो 3,000 रुपया ये देंगे मासिक पेंशन के रूप में छोटे व्यापारियों को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए और बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज के सवाल। बीते दिनों आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है?
तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया के हर प्रत्येक नागरिक को 10% उनके जो आय थी वो बढ़ गई है। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10% इनकी आय बढ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का हो गया सवाल पूरा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जवाब #40 का। बीते दिनों अपने देश के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपने बहुत अच्छा लिखा है, एस जयशंकर, एस जयशंकर। बहुत सारे कमेंट आए, ऐसे ही लिखते रहिए। और देखिए, लिखने से क्या होता है कि आपने इनका नाम लिख दिया, एस जयशंकर विदेश मंत्री, तो आप अब इनको नहीं भूलेंगे, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का सवाल। बीते दिनों भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? तो आप इनके मंत्रालय का नाम लिखेंगे और हो सके तो इनके मंत्री का भी नाम लिखेंगे। आज के वीडियो में ही मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल किया है। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।